इतना क्यूट एंड छोटा सा कैनवस है। वैसे मेरी वाइफ ने मेरे लिए बनाया ताकि मैं इसको अपनी वीडियोस में एज अ क्रॉप यूज़ कर सकूं। शी इज़ अ ग्रेट आर्टिस्ट एंड उसका भी यूट्यूब चैनल है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसके चैनल का लिंक है, फटाफट से जाके फॉलो कर लो। बट आज हमारे पास बहुत सारे रियलमी के ऑडियो प्रोडक्ट्स, तो आज हम इन सबका रिव्यू नहीं करेंगे, इनको हम रिव्यू करेंगे किसी और वीडियो के अंदर। बट आज मैं कंपेयर करने वाला हूँ Realme Buds Wireless 2 एंड Realme Buds Wireless 2 Neo को। तो ये दोनों ही नेकबैंड जो हैं वो रिसेंटली लॉन्च किए थे Realme ने, तो ये जो Wireless 2 है वो प्रीमियम है एंड Wireless 2 Neo ये थोड़े बजट सेगमेंट के अंदर आते हैं। बट आपको इन दोनों में से कौन से लेने चाहिए वो आज की इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर एंड तक देखना। एंड गाइज, बाय द वे, अगर आज आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं और आपने नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस नहीं किया है तो फटाफट से प्रेस करके ग्रे कर दो, बिकॉज मैं ऐसी बहुत अमेजिंग वीडियोस आपके लिए लेके आता रहता हूँ। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम इसकी प्राइसिंग से स्टार्ट कर लेते हैं। तो Realme Wireless 2 का प्राइस है 2300 एंड ये आपको Flipkart के ऊपर मिल जाएगा, एंड Realme Wireless 2 Neo का प्राइस है 1600 एंड ये आपको Amazon के ऊपर मिल जाएगा। बट अगर मैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करूँ तो यहाँ पे आप बॉक्स के ऊपर देख सकते हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपको Realme Wireless 2 के ऊपर बेटर स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल जाती है। इसके अंदर 13.6 mm के ड्राइवर्स हैं एंड Realme Wireless 2 Neo के अंदर 11.2 mm के ड्राइवर्स हैं। तो हम इसको 2 एंड 2 Neo से डिनोट करेंगे, बिकॉज इतना बड़ा नाम लेना जो है थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है। बॉक्स कंटेंट्स के अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सबसे ऊपर आपको नेकबैंड रखा हुआ मिल जाता है दोनों में ही, यानी काफ़ी ज़्यादा नीटली पैक्ड है। साथ में हमको एक USB टाइप सी की डेटा केबल मिलती है, यानी काफ़ी स्मॉल एंड क्यूट सी है। एंड आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा ईयर टेप्स मिल जाते हैं लार्ज और स्मॉल साइज़ के, बिकॉज मीडियम ईयर टेप्स हैं ऑलरेडी इस नेकबैंड के ऊपर लगे हुए हैं, तो आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसके ऊपर लगा सकते हैं। बाकी लास्ट हमको एक क्विक स्टार्ट गाइड देखने को मिल जाती है। सो दोनों ही नेकबैंड को मैं लास्ट 20 डेज से टेस्ट कर रहा हूँ एंड मैंने यहाँ पे जो अपनी सारी ऑब्जर्वेशंस इस नोटबुक के ऊपर नोट कर लिए हैं ताकि मैं आपके साथ अपना ऑनेस्ट एंड ट्रू ओपिनियन शेयर कर पाऊँ एंड कुछ भी मिस ना हो। सो बिल्ड क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ तो Wireless 2 ऑब्वियसली ज़्यादा प्रीमियम है एंड यहाँ पे जो आपको मटेरियल देखने को मिलता है वो काफ़ी सॉफ्ट है एंड बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। एंड इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। यहाँ पे आपको सॉफ्ट नेकबैंड देखने को मिल जाता है जो कि आपकी नेक के अंदर काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है एंड आपकी नेक में कोई भी रैशेज नहीं आएंगे। तो यहाँ पे आपको एक चैम्बर मिल जाता है जो कि मेटालिक है एंड एक USB टाइप सी का पोर्ट है इसके अंदर राइट हैंड साइड पे। वॉल्यूम रॉकर्स हैं, एक ऑप्शन बटन है एंड ये एक क्विक स्विच का बटन है जिससे आप इंस्टेंटली एक फ़ोन से दूसरे फ़ोन के ऊपर स्विच कर सकते हैं। इस फीचर के बारे में आपको आगे बताऊंगा। सो यहाँ पे आपको एक LED लाइट मिल जाती है एंड इसी के अंदर एक माइक्रोफोन है। सो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर आपको एक Realme का लोगो मिल जाता है एंड ये काफ़ी अच्छे तरीके से पैक्ड है। सो इसकी जो वायर्स हैं वो भी काफ़ी लॉन्ग है एंड काफ़ी स्टर्डी लगी मुझे यहाँ पे, तो लॉन्ग रन के अंदर ये काफ़ी ड्यूरेबल रहेंगे। तो बड्स की अगर मैं बात करूं तो ये जो बड्स हैं इंस्टेंट मैग्नेटिक कनेक्शन के साथ आते हैं, तो जैसे ही आप इनको अनप्लग करेंगे ऑटोमेटिकली स्विच ऑन हो जाएंगे। तो अगर इनको आपने अपने फ़ोन के साथ पेयर किया हुआ है तो विद इन 3 सेकंड्स आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाएंगे और आप इंस्टेंटली कॉल को भी पिक कर सकते हैं। सो दैट इज़ वेरी गुड थिंग। सो यहाँ बड्स के अंदर आपको ब्लू कलर के एक्सेंट्स देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी कूल लगते हैं। बट इन बड्स का जो साइज़ है मुझे थोड़ा सा बड़ा लगा, बट ये आपके ईयर्स के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से फिट हो जाते हैं एंड अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं या फिर रनिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर ये बहुत इजीली फॉल नहीं होंगे। ओके, तो Wireless 2 Neo की बात करूँ तो यहाँ पे जो नेकबैंड है थोड़ा सा बजट टाइप का लगता है, ये इतना ज़्यादा प्रीमियम तो नहीं लगता। ये नेकबैंड थोड़ा सा रफ सरफेस के साथ आता है एंड मे बी आपके नेक के ऊपर थोड़े बहुत रैशेज भी ला सकता है। एंड यहाँ पे आपको एक चैम्बर देखने को मिल जाता है जो कि प्लास्टिक का है एंड इसके अंदर बैटरीज हैं। बाकी यहाँ पे आपको USB टाइप सी का पोर्ट मिल जाता है, वॉल्यूम रॉकर्स हैं, ऑप्शन बटन है, एक LED लाइट है जिसके अंदर एक माइक्रोफोन है एंड ये जो नेकबैंड है इसके ऊपर यहाँ पे ज़िगज़ैग का पैटर्न भी आपको देखने को मिल जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर Realme का लोगो है। सो इसकी वायर्स की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको ज़िगज़ैग का पैटर्न देखने को मिल जाएगा एंड ये वायर्स भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो लॉन्ग रन के अंदर ये नेकबैंड भी काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल रहेगा। तो इसके बड्स की अगर मैं बात करूँ तो इसका जो साइज़ है वो मुझे थोड़ा सा कंपैरेटिवली स्मॉल लगा एंड यहाँ पे आपको सिंपल सा ज़िगज़ैग वाला एक पैटर्न देखने को मिल जाता है। बट अच्छी बात यह है कि ये नेकबैंड भी इंस्टेंट मैग्नेटिक कनेक्शन के साथ आता है, तो जैसे ही आप इस नेकबैंड को अनप्लग करेंगे वैसे ही ये स्विच ऑन हो जाएगा एंड सेम विद इन 3 सेकंड्स आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाएगा अगर आपने पेयर किया हुआ है तो। बाकी ये ईयरबड्स भी आपके ईयर्स के अंदर काफ़ी तरीके से फिट हो जाते हैं एंड अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो ये ईजिली फॉल नहीं हो। तो Realme Buds Wireless 2 जो है वो IPX5 की रेटिंग के साथ आता है, यानी कि ये वाटरप्रूफ है।
तो अगर आप इसको स्विमिंग पूल में भी लेके कूद जाएंगे तो डैमेज नहीं होंगे, बट डेफिनेटली मैं इसे रिकमेंड नहीं करूंगा बिकॉज ये चीज जो है वारंटी के अंदर कवर नहीं होती। बट वहीं पे Realme Buds Wireless 2 Neo जो है वो IPX4 की रेटिंग के साथ आता है, यानी कि ये स्वेट एंड वाटर रेजिस्टेंट है, तो मतलब अगर थोड़े बहुत इसके ऊपर स्प्लैशेस पड़ते हैं तो ये डैमेज नहीं होगा। एंड ये दोनों ही नेकबैंड जो है काफी ज्यादा लाइट वेट है, दोनों ही अप्रॉक्सीमेटली 35 ग्राम्स के हैं, तो आपके नेक के अंदर ये बहुत ही कंफर्टेबली फिट हो जाते हैं एंड आपको रनिंग करते टाइम कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सो अगर मैं इसकी साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो Realme Wireless 2 के अंदर हमको 13.2 mm के बेस बूस्ट ड्राइवर्स देखने को मिल जाते हैं एंड ये सोनी के LDAC सपोर्ट के साथ आता है, तो यहाँ पे जो साउंड क्वालिटी है बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो इस प्राइस रेंज के अंदर आपको इससे अच्छी किसी भी नेकबैंड के अंदर साउंड क्वालिटी देखने को नहीं मिलेगी। एंड गाइस ट्रस्ट मी, काफ़ी सारे यूट्यूबर्स जो हैं अपने माइक के ऊपर ईयरफोन्स की साउंड को टेस्ट कराते हैं, बट ऐसा कोई भी माइक नहीं बना है जिससे आपको रियल एक्सपीरियंस मिल सके। तो मैंने इनको पर्सनली बहुत ही अच्छे तरीके से टेस्ट किया है, तो मैं अपने ओपिनियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी बेस जो है बहुत ही ज़्यादा हैवी प्रोड्यूस करते हैं एंड ट्रेबल एकदम बैलेंस है एंड वोकल्स जो है वो भी बेस के अंदर नहीं दबते, तो मेरे हिसाब से मैं साउंड क्वालिटी में इनको 4.5 स्टार की रेटिंग देना चाहूंगा अकॉर्डिंग टू प्राइस। सो Realme Wireless 2 Neo की अगर साउंड क्वालिटी की बात करूं तो गाइस ट्रस्ट मी, इसके अंदर ऑल दो 11.2 mm के ड्राइवर्स हैं, बट इसकी जो साउंड क्वालिटी है मुझे काफ़ी हद तक सिमिलर लगी इन Realme Wireless 2 के अकॉर्डिंग, बिकॉज अगर आप दोनों ही नेकबैंड को साथ में सुनते हैं ना तो आपको वहाँ पर डिफरेंस नोटिस हो जाता है, बट मुझे यहाँ पर सिर्फ 19-20 का ही डिफरेंस देखने को मिला। तो साउंड क्वालिटी के मामले में Realme Wireless 2 Neo जो है वो भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है एंड इस प्राइस के अंदर मैंने इससे अच्छे नेकबैंड की साउंड क्वालिटी नहीं सुनी है। वैसे इन दोनों ही नेकबैंड के अंदर आपको Realme Link एप्लीकेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग इसकी साउंड क्वालिटी को सेट कर सकते हैं। सो जो मेन डिफरेंस इन दोनों ही नेकबैंड में है वो है कॉल क्वालिटी के अंदर। तो Realme Wireless 2 के अंदर आपको एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन देखने को मिल जाती है, प्लस आपको यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मोड भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको बाहर की जो साउंड है वो बिल्कुल भी सुनाई नहीं देगी एंड प्लस कॉल्स के अंदर भी आपको डिस्टर्बेंसेज जो है बहुत ही ज़्यादा मिनिमम देखने को मिलेंगी। एंड वहीं पे Realme Wireless 2 Neo के अंदर आपको कोई भी एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन देखने को नहीं मिलती, तो अगर आप ट्रैफिक के अंदर या बाहर शोर के अंदर कहीं पे भी इन Wireless 2 Neo से कॉल पे बात कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंसेस आ सकती हैं। तो कनेक्टिविटी में दोनों ही ईयरबड्स के अंदर आपको ब्लूटूथ 5.0 देखने को मिल जाता है एंड ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन मेंटेन करके रखते हैं। एंड मैंने इसको टेस्ट करते टाइम मैं पूरे अपने घर के अंदर जैसे घूम रहा था तो काफ़ी दूर तक भी जो कनेक्शन था वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था एंड बिल्कुल भी डिस्टॉर्टेड मुझे यहाँ पे कहीं पे भी नहीं लगा। बट अब बात करें इसके बैटरी बैकअप की, तो बैटरी बैकअप जो है वो एरिया ऑफ कंसर्न है मुझे दोनों ही नेकबैंड के अंदर देखने को मिला। तो Realme क्लेम करता है कि Realme Wireless 2 के अंदर आपको 22 आवर्स का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाएगा अगर आप ANC यानी कि एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन को ऑफ करके रखते हैं, नॉर्मल मोड के ऊपर रखते हैं, बट अगर आप ANC ऑन करते हैं तो समवेयर अराउंड 17 आवर्स का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। बट इस नेकबैंड के अंदर मुझे सिर्फ 10 आवर्स का ही बैटरी बैकअप देखने को मिला जब ANC ऑन थी एंड वहीं पे जब मैंने ANC को ऑफ कर दिया था तो बैटरी बैकअप थोड़ा सा बेटर मिला अराउंड अबाउट 14 आवर्स का, यानी कि समवेयर अराउंड मेरे 3 डेज में ये नेकबैंड है आराम से चल गया था। एंड वहीं पे अगर 2 Neo की मैं बात करूँ तो 2 Neo के अंदर हमको ANC का फीचर नहीं मिलता, तो Realme क्लेम करता है कि ये 17 आवर्स का बैटरी बैकअप आपको दे देगा, बट इसका बैटरी बैकअप मुझे काफ़ी ज़्यादा पुअर लगा एंड मुझे सिर्फ 10 से 12 घंटे ही देखने को मिला ऑन एन एवरेज बेसिस। सबसे अच्छी बात है ये इन दोनों ही ईयरबड्स के अंदर आपको गेमिंग मोड भी देखने को मिल जाता है जिसको आप Realme Link एप्लीकेशन से जाके स्विच ऑन कर सकते हैं एंड इसके अंदर आपको दोनों में ही 88 मिलीसेकंड्स की लेटेंसी देखने को मिल जाती है, यानी कि अगर आप BGMI खेल रहे हैं ना तो यहाँ पे आपको कोई भी लैग देखने को नहीं मिलेगा अगर आप गेमिंग मोड ऑन कर देते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की, भैया आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, बात एकदम सिंपल और क्लियर है। तो अगर आपको अच्छी साउंड क्वालिटी चाहिए और अगर आपका बजट 1500 से 1600 के बीच में है तो Wireless 2 Neo जो है वो बहुत ही वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। ओवरऑल ये नेकबैंड जो है बहुत ही शानदार है एंड इसके अंदर आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। एंड वहीं पर अगर मैं Realme Buds Wireless 2 की बात करूँ तो ये जो नेकबैंड है बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम सेगमेंट का है एंड इसकी जो साउंड क्वालिटी है एकदम आउट ऑफ द वर्ल्ड है। इस प्राइस के अंदर आपको किसी भी नेकबैंड के अंदर इससे अच्छी साउंड क्वालिटी नहीं मिलेगी एंड प्लस इसके अंदर ANC का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है जो कि चेरी ऑन द केक है। एंड अगर आप आउटडोर्स के अंदर कॉल्स ले रहे हैं तो उसके अंदर भी आपको काफ़ी ज़्यादा इजीनेस होगी एंड बिल्ड क्वालिटी तो जैसे मैंने बताया बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। सो गाइस दैट वाज इट फॉर द कंपैरिजन ऑफ Realme Buds Wireless 2 एंड 2 Neo। आई होप आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी एंड पसंद आई होगी एंड आपके माइंड में अगर कोई भी डाउट होगा तो वो क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को जरूर लाइक कर देना एंड जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, अंटिल देन कीप रॉकिंग एंड कीप एंजॉयिंग।